हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। आज मैं आपको राफेल के बारे में बताऊंगी। इंडियन एयरफोर्स की शक्ति आज और भी बढ़ गई है। आज फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल विमानों ने हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड किया, जहां पर इन लड़ाकू विमानों का स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। राफेल विमान के पहले बैच ने भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया तो उनकी सुरक्षा में 2 SU-30 MKI विमान आसमान में पहुंच गए थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 राफेल फाइटर जेट के साथ 2 SU-30 MKI विमान भी चल रहे हैं। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन की उत्पादन इकाई से राफेल विमानों ने सोमवार को टेक ऑफ किया था। ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर अंबाला पहुंचे हैं। विमान तस्वीर लिए जाने के वक्त तकरीबन 30000 फीट की ऊंचाई पर थे और इन विमानों में ईंधन भरा जा रहा था। इन विमानों में 3 एक सीट वाले और 2 विमान 2 सीट वाले हैं। आइए जानते हैं राफेल लड़ाकू विमानों से जुड़ी 5 खास बातें। क्या है स्पीड? राफेल लड़ाकू विमान का कुल वजन 24,500 किलोग्राम है और यह आसानी से 9,500 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है। इस विमान की टॉप स्पीड 1389 किलोमीटर प्रति घंटे है और सबसे खास बात यह है कि एक बार में उड़ान भरने के बाद यह विमान 3700 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। पावर और हथियार। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से पूरी तरह से लैस है। कहाँ होगी तैनाती? राफेल कल 29 जुलाई को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड करेगा और यही उतरते ही यह अपने ऑपरेशन के लिए भी रेडी हो जाएगा। राफेल के लिए अंबाला एयरबेस इसलिए चुना गया है क्योंकि यही पर देश के सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की स्क्वाड्रन को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा इस एयरबेस से पाकिस्तान और चीन दोनों देशों की सरहदें भी काफ़ी नज़दीक है। चीन के चेंगड़ू J-20 से मुकाबला। चीन के पास चेंगड़ू J-20 लड़ाकू विमान है, लेकिन राफेल इससे कई मायनों में बेहतर साबित होगा। इन 3 मिसाइलों की शक्ति। राफेल लड़ाकू विमान उड़ान के दौरान अपने घातक हमले और 3 मिसाइलों के लिए मशहूर है। सबसे पहले इसमें मेटियोर मिसाइल दिया गया है जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर तक की दूरी में हवा में वार कर सकता है। इनकी क्षमता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक गिना जाता है। इसके अलावा इसके दूसरे मिसाइल के तौर पर संकल्प दिया गया है जो कि क्रूज डिप अटैक मिसाइल है, जिसका प्रयोग ज़मीन पर हमले के लिए किया जाता है। वही तीसरे घातक मिसाइल के तौर पर इसमें माइको को शामिल किया गया है जो कि हवा से हवा में वार कर सकता है। इसे मल्टी मिशन मिसाइल भी कहा जाता है। क्या है कीमत? एक विमान की कीमत तकरीबन 90 मिलियन यूरो है, यानी करीब 673 करोड़ रुपए। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो।